जय शिंदे फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो बहुत ही लाभदायक होने वाली है मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जो कि रुई को प्रोफेशनल तरीके से क्लीन करना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये जो तरीका जो मैं आज लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बिना आप किसी कॉम्ब की सहायता से या आप अपने फिंगर्स की सहायता से रुई को अलग किए बिना, यानी कि रुई को सही किए बिना, इतना अच्छे से कर लेंगे कि और मिनटों में ही हो जाने वाला है बहुत सारा काम आपका। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और आइए चलिए वीडियो देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये है मेरी रुई, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे ये किस अवस्था में है। ये काफ़ी गंदी है और इसको सबसे पहले हमको साफ़ करना है, वॉश करना है डिटर्जेंट वाटर में। और फ्रेंड्स, जहाँ पर जो मैं ट्रिक लेकर आई हूँ उसके लिए तो हमको इसको सबसे पहले अच्छे से क्लीन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सही करेंगे, पहले की जैसे बनाएंगे इसको। बिना वॉश किए तो हम इसको सही करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। मैं पहले हमेशा रुई को वॉश करती हूँ, उसके बाद ही उसको सही करती हूँ। तो आइए चलिए, पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए मैंने बकेट ली है और उसमें मैंने पानी डाला है और उसमें डिटर्जेंट वाटर डाला है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये रुई डाल दी है अपनी, और इसको मैंने यहाँ पर आधा घंटे के लिए रख छोड़ा है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि कितना डर्टी वाटर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये तो जो काफ़ी टाइम से हमारा पिलो था तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसमें गंदगी जो हो जाती है। अब हम इसको हल्के हल्के से हाथ से देखिए इस तरह से निचोड़ते हैं तो हमारी रुई है वो हमें थोड़ा क्लीन नज़र आ रही है। और इसी तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा ना इस तरह से ऊपर नीचे इसमें करेंगे, पुश इन आउट करेंगे, तो देखिए हमारी रुई है वो हमको थोड़ी साफ़ नज़र आ रही है। और अब हम यहाँ पर अलग से बकेट में पानी रखेंगे ताकि हमको जल्दी जल्दी इधर उधर ना भागना पड़े, और हम पानी लेकर अलग से उसको बार बार इसमें वॉश करेंगे पानी को। हम ये तब तक वॉश करेंगे जब तक हमारा पानी है बिल्कुल हमें साफ नज़र ना आने लगे। हम इसको 7 से 8 बार तक इस तरह से पानी में निकालते रहेंगे और फिर इसको हमको सुखाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने रुई को सुखा दिया था धूप में, और ये इस तरह से यहाँ पर जो कि सूख चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी रुई अपनी, तो ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि अच्छे से जब तक नहीं सूखेगी तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसको अच्छे से सुखाना है। जब ये सूखी नहीं थी, मैंने इसको डाला था तो मुझे लगा था सूख जाएगी, बट ये सूखी नहीं, तो फिर मैंने इसको थोड़े टुकड़ों में किया और तब जाके ये रुई है मेरी अच्छे से सूख पाई है। और इसमें कुछ धागे वगैरह से भी हैं तो मैं इनको भी निकाल लूँगी अलग, और अब हम इसको सही करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं मिक्सी, तो मिक्सी का ये जो जूसर होता है फ्रेंड्स, इससे हम इसको क्लीन करेंगे। मैंने बताया था आपको कि हमें अच्छे से क्लीन इसीलिए करना है क्योंकि ये जूसर में करेंगे हम इसको क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से कुछ रुई लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से जूसर में डालेंगे। तो हमको इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं भरना है, हमको इसको स्पेस रखना है इसमें, और फिर इसका ऊपर से ढक्कन लगाकर और हम यहाँ पर चलाएंगे मिक्सी को। तो फ्रेंड्स, मिक्सी को चलाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इस तरह से ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल फ्लपी फ्लपी हो गई है, जैसे कि वो टेडी बियर वगैरह होते हैं ना, तो बिल्कुल ये ऐसी हो गई है रुई। और बहुत ही आसानी से बिना फिंगर से बिना कॉम से हम इसको इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कितनी फ्लपी हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक लगा, बट इसके लिए वही है थोड़ा सा नोटिस रखना आपकी, अच्छे से रुई को क्लीन करना है। और फ्रेंड्स, प्रोफेशनल तरीके से भी, मतलब ये इसीलिए बोला था मैंने। और इस तरह से मैं यहाँ पर ना अपनी रुई को सारी को सही कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से हमें ज़्यादा नहीं भरना है इसको, क्योंकि ज़्यादा भर देंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये इसमें स्पेस नहीं रहेगा और वो रुई है हमारी वो अच्छे से जो स्पेस नहीं ले पाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है, फिर मैं इसको पलट के फिर से डाल देती हूँ
और ये बहुत स्मूथी हो गई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से, जैसे कि स्वीट कैंडी होती है ना, कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। और मैंने जब इसको हाथ में लिया ना, तो बहुत ही मेरा मन कर रहा था इसे खेलने का। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत ही अच्छे से जो है कि हमारी सही हो गई है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपनी रुई को बार बार इस तरह से करके और अपनी सारी रुई को यहाँ पर मैं क्लियर कर लूँगी, और दिखाती हूँ मैं फिर आपको लास्ट में कि मैंने सारी रुई को जब सही कर लिया था तो वो किस तरह से लग रही है। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने इसको सही किया है। फ्रेंड्स आप भी घर में अपनी रुई को अच्छे से सही कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही सही तरीका निकला है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर ये वो सारी रुई मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये कैसे फ्लफी फ्लफी है जो हमारी लग रही है, और बिल्कुल ही एकदम ये स्वीट कैंडी की तरह लग रही है, और देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और अब आप फिर से दोबारा इसको कुशन बना सकते हैं, पिलो बना सकते हैं, जैसा मन आपका यूज़ करें। और ये इतनी फ्लफी है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, तो आप इसको टेडी बियर वगैरह जैसे होते हैं ना, उसको भी बच्चों के खेलने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।